और आप थोड़ी दूर चलेंगे आपको देखिए ऐसे साइन बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे कि आप कृपया पॉलीथीन का प्रयोग यहाँ ना करें। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक तरीके की एक पहल है यूपी सरकार के द्वारा पॉलीथीन बैन। तो दोस्तों आप ज़रूर इसको फॉलो करिए ताकि अपना देश पॉलीथीन मुक्त हो सके ना जाए। ये चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, यहाँ पे अच्छा रास्ता बना हुआ है अंदर जाने के लिए। जी हाँ, बैरिकेडिंग भी लगी हुई है आप कि कोई जानवर ऊपर ना पाए। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी घना जंगल है, आप देख सकते हैं, जंगल कह सकते हैं या फिर पक्षी बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है यहाँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बाहर इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी क्योंकि शायद पेड़ों की वजह से। और ये देखिए दोस्तों, आपको तालाब में तरह तरह के फूल भी मिल जाएंगे, जैसे कि शायद आपको दिख रहा होगा ये कमल का फूल है, लोटस। जी हाँ दोस्तों, आपको हर तरीके की स्पेसिस मिल जाएंगी, पक्षियों में और जानवरों में, फ्लावर्स में, पेड़ों में। और ये देखिए, ये दोस्तों ये मेरा भांजा है, ये यहाँ पे ज़्यादा शैतानी कुछ कर रहा है। हाँ, ये इसके लिए यहाँ तो इसका डेली रूटीन है यहाँ आने का। जी हाँ, ये एवरी संडे यहाँ पे आता है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए है, प्लेग्राउंड है, तो ये इसमें खेलता रहता है। हाँ, ये इसके घर के आसपास ही है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से इन्होंने रास्ता भी बनाया, तो पेड़ को काटा नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, एक और बैठने के लिए कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं अगर आप थक जाएं। ये आपको सेम ऐसा ही रास्ता दोस्तों मिल जाएगा, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का आपको देखने के लिए। लेकिन आज हम लोग शायद लेट हो गए हैं, दोपहर में आए हैं, इस वजह से कोई जानवर, कोई हिरन वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, चिड़िया भी नहीं दिख रही हैं, शायद गर्मी का समय है, वरना यहाँ पे बहुत से चिड़िया दिखती हैं। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये तालाब है यहाँ पे, आपको हर पेड़ पे, जब मैं पिछली बार आया था तो हर पेड़ पे आपको यहाँ पे पक्षी मिल जाते थे, बकुला वगैरह और भी हर तरीके के पक्षी। अभी धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है, लेकिन पेड़ के वजह से दोस्तों यहाँ कुछ पता नहीं चला जाता गर्मी के बारे में। लेकिन बाहर अगर आप पक्षी विहार के बाहर जाएंगे, बर्ड सेंचुरी के बाहर, तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी एज़ कम्पेयर हियर। दोस्तों आज जब आप यहाँ आएंगे तो आपको देखने, आपको एक ऐसी फील है कि जैसे हम किसी जंगल में आ गए। यहाँ दोस्तों आपको ये पूरा जंगल दिखेगा। ये देखिए पहला पक्षी जो दिखा अभी, शायद आप देख रहे होंगे, ये देखिए उड़ गया। ओह माय गॉड, ये देखिए दोस्तों, ये आपको यहाँ कछुआ देखने को मिल जाएगा। मैं जा रहा था, मेरे को आवाज़ ही, मैं सोचा किस चीज़ की आवाज़ है। ये देखिए दोस्तों, कछुआ। जी वैसे मैंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रखा था कि यहाँ पे मिलेगा कछुआ। जी हाँ, ये देखिए आपको दोस्तों, ये वापस आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऊपर से चढ़ के व्यू देखने को मिल जाएगा, और आप यहाँ आराम भी कर सकते हैं, आपको बैठने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। चले चल के देखते हैं ऊपर कैसा यहाँ पे है और क्या सीटिंग प्लान है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको सीटें मिल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंडी हवा आ रही है। आप कह सकते हैं एक प्रकार का जंगली है, जो कि अब
हम लोग की वजह से देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जगह जगह जंगल कटते जा रहे हैं, वहाँ घर बनते जा रहे हैं। तो आप दोस्तों यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ के व्यू का आनंद लीजिए, आपको एक अलग ही यहाँ पे व्यू मिलेगा और एक सुकून मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, एक चिड़िया, दोस्तों हम लोग बहुत आगे तक आ गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी एक पक्षी नहीं मिला है। जो स्टार्टिंग में मिला था या फिर मंकी थे और या फिर वो हिरन या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको मेरे को उसका नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे को कोई और पक्षी नहीं मिला। ये देखिए दोस्तों, एक बर्ड मिली आपको, मैं इसका नाम तो नहीं पता है। चलिए जैसे ही मैंने कैमरा सोचा मैं पीछे वाला कैमरा ऑन करता हूँ, वैसे ही वो चिड़िया उड़ गई, मैं आपको दिखा भी नहीं पाया। तो अभी मैं पीछे वाला कैमरा ही ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि आप कुछ कह नहीं सकते कब कौन सा व्यू आए और मैं आपको मिस कर जाऊँ। ये एक बार और फिर से दोस्तों आप देख लीजिए तालाब का व्यू। अभी तो पूरा ये साफ़ नहीं होता है, लेकिन पहले जब साफ़ हुआ करता था, जब बोटिंग होती थी तो यहाँ पर पूरा पानी दिखता था पूरा। या दोस्तों आप सोच ही सकते हैं कि 224 हेक्टर में बना हुआ है तो आप कितना बड़ा होगा अनुमान लगा। मैं तो अभी पूरा घूमा नहीं हूँ क्योंकि मेरे को कुछ जानवर कुछ मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचता चलिए एंड करते हैं, फिर किसी और टाइम आएंगे जब। तो दोस्तों आपने देख लिया उन्नाव का पक्षी विहार, ये मेन उन्नाव में नहीं पड़ता है, ये उन्नाव के जब आप लखनऊ से आएँगे तो उन्नाव से 20 किलोमीटर पहले ही नवाबगंज नाम का एक कस्बा है, ये आपको मिल जाएगा वहीं पर। ये मेन हाईवे पे ही है, नेशनल हाईवे जो कानपुर से लखनऊ के लिए या लखनऊ से कानपुर के लिए जो हाईवे जाता है वो आपको मेन हाईवे पे ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।